वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज इस वीडियो में, जो कि बहुत ही खास वीडियो मेरे लिए, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं एक सर जो कि मेरे साथ बहुत रिस्पेक्टेबल सर हैं, ग्रुप कैप्टन ए के मैनी सर, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में मोर देन 20+ ईयर एज अ कंट्री को सर्व करा है। तो आज इनसे हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कुछ क्वेश्चन सर से शेयर करेंगे, जिसको कि आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आने वाले सपना जो कि आपका इंडियन एयरफोर्स का है उसको आप पूरा कर सकेंगे। सर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हम लेंगे। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत आपका वेलकम सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। थैंक यू। तो और इट्स बीइंग आर ऑनर कि आप मेरे साथ आज बैठे हैं और मुझे मौका मिल रहा है बात करने का। सर, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जब आपने ज्वाइन करा था तो उस समय आपका एक्सपीरियंस क्या था, जब आपने एकेडमी में पहुंचे थे, फिर वहां से निकल के आए हैं, फिर आपने ज्वाइन करा आर्मी एयरफोर्स को, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे सर? एयरफोर्स और डिफेंस फोर्सेस, दे आर सो वंडरफुल कि किसी का भी एक्सपीरियंस वहाँ पे एज एन एक्सेप्शन ही ख़राब हो सकता है। अच्छा। अदरवाइज सबका एक्सपीरियंस जो है बहुत ही एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग और अच्छा रहता है, और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे काम कर सका जो कि मुझे करने में बहुत आनंद आता था। सर, एक कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए यादगार रही हो आपके लिए ड्यूरिंग दी सर्विस? ड्यूरिंग सर्विस काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग रही। मेरे को मौका मिला एयरक्राफ्ट को रिकवर करने का एमरजेंसीज़ में, एयरक्राफ्ट को हेल्प करने का जब वो एमरजेंसीज़ में थे, और इवन एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल जो है, जो हमारे टास्क थे जो दिए गए, उनको जो है अच्छी तरह से पूरा करने का। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर वॉज एनी इंस्पिरेशन, एक होता है कि किसी ना किसी की इंस्पिरेशन होती है कि आप उस चीज़ के लिए जाएं, जैसे कि जब आप तैयारी करने जा रहे थे तो सबसे पहले आपके लिए क्या आया था, इंस्पिरेशन किससे मिली थी आपको? हमारे टाइम में लाइफ काफ़ी अलग थी। इट वाज इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडीज ड्रीम टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। ओके सर। और मैं भी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, तो मेरा भी ड्रीम था और इसके लिए मैं, तो यू आर योर सेल्फ इंस्पिरेशन आई कह सकता हूं। दिस कंट्री वाज इंस्पिरेशन फॉर मी। नहीं सर। और सर, होता क्या कि जब कभी भी कोई फौज में जाने की बात होती है तो सबसे पहले फैमिली इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए क्योंकि कुछ फैमिलीज होती हैं सपोर्टिव होती हैं इस चीज़ को लेके, कुछ होती है कि नहीं होती हैं, तो आपकी फैमिली का क्या रहा था जब आपने बोला था कि नहीं मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना आगे जाके? नहीं, ये बात बिल्कुल सही जी, है जी। पर मेरे से पहले मेरा एक कज़न था जी जिसको स्टेशन से वापस ले आए थे, उसको ज्वाइन नहीं करने दिया था। तो मुझे वो आइडिया था जी, तो इसलिए मैंने अपनी बात कुछ इस तरीके से रखी जी कि कोई उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सके, और जिनको मना किया गया था उन्होंने पूरा मुझे साथ दिया जी। उसकी वजह से घर के बाकी लोग भी अच्छा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उस टाइम होता क्या था सर, कोचिंग इतनी नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था स्टूडेंट्स के लिए, तो आपने पढ़ाई उस समय कैसे करी, मतलब विदाउट एनी कोचिंग आप इतनी बड़ी रैंक पे गए, आपने एयरफोर्स ज्वाइन करी, तो कैसे सर आपने तैयारी करी थी? कुछ ऐसी टिप्स जो कोचिंग के बाद बच्चे उस चीज़ को कर सकें? मेरे को मेरे एक कुलीग ने ही बताया था जी, उन्होंने ट्राई किया था पर वो सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो उन्होंने मुझे एक बेसिक टिप्स दिए थे कि डिफेंस फोर्सेस में वो देखना चाहते हैं कि आप कितने पॉजिटिव हैं। अच्छा। और आप कितने ईमानदार हैं। अच्छा। तो अपनी सोच में, तो मैंने वो ही ध्यान में रखा, और जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू और कंपटीशन मास्टर मैगजीन उस टाइम आती थी, अच्छा, उनके कुछ इश्यूज मैंने देखे जी, और उनमें से जो है जो भी मेरे को पॉइंट्स मिले उनको एब्जॉर्ब किया, और अच्छा। तो मतलब एक बुक के बुक्स को आपने हेल्प ली थी, बाकी चीज़ें आपने खुद से ही अपना सब चीज़ें? हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे टाइम में फ़ौज ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा एम रहता था हर किसी का,
तो हम आपस में इस बारे में बातचीत होती रहती थी, तो आपस में ही मित्रों से ही कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मिली जी उसी के बेसिस पे तैयारी करके वहाँ इंटरव्यू दिया और उसमें सेलेक्ट हो गए। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप एयरफोर्स को कंट्री को सर्व कर चुके, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ नहीं होती आपकी लाइफ में कि आपने प्रयास करा नहीं हो पाया, तो फिर कुछ प्लान भी उस समय था आपका? सर मेरे केस में यूनिक था कि मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा था। अच्छा, अच्छा एक प्राइवेट कंपनी में। अच्छा अच्छा तो अगर फौज में सेलेक्ट नहीं होते तो वो नौकरी कंटिन्यू होती रहती। इंस्टेड ऑफ एयरफोर्स मेरी फील्ड जो है टेक्निकल साइड में रहती। अच्छा, तो यही ऑल्टरनेट प्लान। नहीं तो सर ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एयरफोर्स को आपने जाना, बहुत अच्छे से वहाँ सर्विस करी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है अब आपके लिए, ज़्यादा टाइम सर आपको नहीं लूँगा, कि त्रिशूल के जैसे व्यूअर्स होते हैं हमारे वीडियोस लगातार देखते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ एक सर ऐसी चीज़ आज आप बोल दीजिए इस वीडियो में कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा उसे एयरफोर्स का सपना है, जाना है एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, तो वो किन बातों का ध्यान रखते हैं, 3 से 4 बात आप उसको बता दीजिए सर। मैं तो सब लोगों को जो कि एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको यही सजेशन दूंगा या संदेश दूंगा कि अपना एम पॉजिटिव और अच्छा रखें, खूब मेहनत करें और अपने विचारों को अच्छा रखें। अगर वो ऐसा करेंगे, अपना दिमाग जो है वो सही कार्यों में लगाएंगे, तो वो है ज़रूर डिफेंस फोर्सेस में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आज मेरे साथ एक ग्रुप कैप्टन ए के मैनी सर, जो कि जिन्होंने हमको बहुत अपना कीमती समय दिया, बच्चों को आज इंटरेक्शन भी हुआ था सर का क्लास में भी, वो वीडियो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जितनी भी मोटिवेशनल चीज़ें हैं, जितनी भी डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं आपको मिलती रहें। सर लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा जय हिंद, जय हिंद। आपने बहुत अच्छा काम सर करा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू।